नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ नारायण कुमार। चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। भागलपुर मालदा मंडल के प्रभारी डीआरएम पीके मिश्रा आज विभागीय निरीक्षण करने भागलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रथम श्रेणी में महिला प्रतीक्षालय का भी उद्घाटन किया। डीआरएम ने बहुत जल्द भागलपुर स्टेशन में कई सारी योजनाओं को शुरू करने की बात कही। उन्होंने कहा, भागलपुर रेलवे स्टेशन मालदा डिवीजन में राजस्व के मामले में काफी उत्कृष्ट है। इसके साथ यहां काफी ज्यादा संख्या में लोग रेलवे से यात्रा करने पहुंचते हैं। एमएम न्यूज टीम बांका से जुड़े हुए हैं, उनकी रचना पूरे देश में विख्यात है। क्या उनसे जुड़ा हुआ भी कुछ चीज यहां पर उनकी स्मृति के तौर पर लगाया जाएगा? देखिए, ये भागलपुर के अंचल का सौभाग्य है कि हमारे देश के जो महान साहित्यकार थे शरदचंद, उनकी ये जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। उनकी जो महान रचनाएं हैं उनमें बहुत ही जो उन्होंने लिखा है इस एरिया के ऊपर में लिखा है और इस एरिया में रह के लिखा है, चाहे वो श्रीकांत हो चाहे उनकी बाकी कथा है, उसमें इस एरिया के बारे में बहुत उन्होंने वर्णन किया। तो हम लोग शरदचंद की जो रचना है, शरदचंद का फोटोग्राफ है और जिनकी स्मृति है, इसके ऊपर में कुछ फोटोग्राफ बना के जो हमारे इम्पोर्टेंट पब्लिक एरिया है वहाँ पर हम लोग डिस्प्ले करेंगे। और यदि कोई स्मृति चिन्ह कोई कुछ आप लोग बताना चाहेंगे जो डिस्प्ले होना चाहिए उसके फोटोग्राफ आप शेयर कीजिए। हम लोग वेटिंग हॉल में, डाइनिंग रूम में, स्टेशन में, सपोर्टिंग एरिया में कुछ कुछ उनके बारे में। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन AIYF का बिहार राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर भागलपुर के सनवला में प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण का प्रारंभ सनवला बाजार में नौजवानों के एक रैली निकाला गया, जिसमें सैकड़ों नौजवान हाथों में झंडा लेकर बेरोजगारी के खिलाफ गगनभेदी नारे लगा रहे थे। ये नौजवान कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर प्रशिक्षण में भाग लिया। संगठन के राष्ट्रीय सचिव संजीव कुमार सिंह के द्वारा झंडा दोलन किया गया। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर उद्घाटन समारोह का CPI के राज्य सचिव व पूर्व विधायक सत्यनारायण सिंह के द्वारा किया गया। CPI के जिला सचिव सुधीर कुमार शर्मा ने अपने जोरदार भाषण से सभों को प्रेरित किया। शिवशंकर शर्मा ने 3 बजे से 7 बजे शाम तक मार्क्सवाद के विचार पर अपना व्याख्यान दिया और सभों को भा गया। MM न्यूज टीम भागलपुर। आज जो सनवला जो विवाह भवन में जो आप जो इकट्ठा किए हैं, आप क्या मकसद, क्या आपका इसमें युवाओं का बिहार स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण हो रहा है, कल शुरुआत हुआ, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय राज्य मंत्री CPI के कॉमरेड सत्यनारायण सिंह ने किया। और प्रथम चरण का जो है जगदेशपुर थाना के अंतर्गत सैदपुर बालू घाट से बालू माफियाओं के द्वारा बालू चोरी का कारोबार बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जगदेशपुर थाना अध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी का कहना है कि रात्रि के 10 बजे से 4 बजे तक पेट्रोलिंग करने के बावजूद भी चोरी छिपे बालू का चोरी कर ही लेते हैं लोग, क्योंकि बालू माफियाओं का गुप्तचर पेट्रोलिंग गाड़ी की सूचना दे देता है। MM न्यूज़ टीम भागलपुर।